इस वक्त जी आ रहे हैं हम कलूरकोट, और एक दो और इंटरव्यूज और भी करे हैं, और ये बुज़ुर्ग भी हैं, इन पे भी अपना मुकम्मल हम पूछेंगे तफसीलात डिटेल्स भी के वा क्या तो थे के बने था। लेकिन उससे पहला कलूरकोट के बारे में चलो मैं थोड़ा सा और बता दूं। कलूरकोट तहसील है डिस्ट्रिक्ट बखर की, और बखर पहला ज़िला मियाँवाली का हिस्सा था लेकिन इस वक्त खुद ज़िला है। और कलूरकोट जिस जगह एग्जैक्ट लोकेशन में बैठे हूँ बिल्कुल इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध के बिल्कुल किनारे के ऊपर है। इवन ये भी हो गया कि कुछ साल पहले हम खबर सुना करते कि कलूरकोट शहर में कटाव कर लिया था दरिया ने, बिल्कुल दरिया जड़ के अंदर है, कुछ शहर का हिस्सा दरिया में भी चला गया था, तो दोबारा बंद वगैरह बांधा गया है। और लाहौर तो यू वेस्टर्न साइड मगरबी यानी पश्चिमी साइड पर लगभग 350 किलोमीटर है। इस्लामाबाद तो यू सदरन जनूबी यानी कि इस साइड ने क्या क्या करना दक्षिण इस साइड पे है जी लगभग यू 400 किलोमीटर सदरन साइड पे, और लाहौर था नार्दर्न मुल्तान था सॉरी नार्दर्न साइड पे 300 किलोमीटर के लगभग यू अपना टाउन है। और ये बुज़ुर्ग हैं, बाकी इन पर हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक ठीक अल्लाह का शुक्र, सेहत तबीयत ठीक है? तार सामने बताया डिटेल, तो क्या हम तार पर पूछना चाहवा हाँ कि हिंदुस्तान तो आए थे, पार्टीशन हुई थी अपने लोग, मैं बात पूछांगे भी किस तरह था, के कुछ बनया था पहले रह कर देंगे। ठीक है जी, तो अपना नाम बता दो सबसे पहले। तो खुशी मोहम्मद मेरा नाम है। खुशी मोहम्मद, और तरवाल साहब का नाम क्या था? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, अच्छा। हिंदुस्तान में कौन सा गांव में रहा करते? आमूपुर। आमूपुर, अच्छा। आमूपुर यू कौन से जिले में पड़ा था? करनाल में। जिला करनाल था? जलवाना 10 कोस था। अच्छा, तहसील जिला करनाल था? जिला करनाल। अच्छा, नज़दीक जलवाना? तहसील हमारी कैथल थी। अच्छा, तहसील कैथल थी। अच्छा, जलवाना था यू नज़दीक था तर 10 कोस था। अच्छा, और लेवल कोई पता कौन से गाँव थे? निसंग थी, निसंग बस्तड़ी थी, पलाना था, अच्छा अच्छा ब्रास थी। ठीक ठीक ठीक, और इनमें भी मुसलमान थे? हाँ मुसलमान थे। मैं भी आ रहे हैं पाकिस्तान? आ रहे हैं। पता है किसी का कौन सी जगह है? बरासल लक्ष्मणवाला बैठे। कौन सी जगह? लक्ष्मणवाला जी, जमेल के साथ। अच्छा, उरे। ठीक ठीक, और बाकी कोई पता नहीं कहाँ? अच्छा, बाकी का पता कौन? तेरी रिश्तेदारी कौन से गाँव में थी? तेरे मामे जलवाने में थी? अच्छा अच्छा, लोहारी में थी। ठीक ठीक ठीक, ये गांव थे? नहीं, गांव थे। मोटलवारी तो कौन सी? मोटलवारी, अच्छा मोटलवारी कटकाणी वही थी ना। अच्छा, तो तारा गांव था जो सा आमूपुर? आमूपुर। आमूपुर इसमें मुसलमान कितने थे? मुसलमान बहुत थे इसमें भी। अच्छा, हिंदू भी थे? हिंदू भी थे, वो तो पता ही नहीं लगा, रल मिल कर रहे थे सारे इस तरह। अच्छा अच्छा, यानी मैं इकट्ठा वो नहीं था बात भी, ये हिंदू है मुसलमान है किस तरह बहस वगैरह कुछ नहीं, रौले नहीं था कोई। अच्छा, बड़ा प्यार था। अच्छा, ठीक आन जान नु थी? ठीक आन जान। अच्छा, उनके सूरा के जड़ जावे थे बाहर, हमारे बेटा के जड़ जावे थे बाहर, कोई फर्क नहीं किसी ना कोई। अच्छा, सूर रखा मैं जो सर बेटा रख रखे किस तरह रखे मैं दूसरे थे ना जो से चमार वगैरह और वो उनके थे, मैं रखा करती हूं। हमने देख मैंने देखे अपने अंकल अय्यर, हाँ अय्यर देखे, ये भी रखा है और फार्म भी है, पिग फार्म। इस तरह हमारे अय्यर इनका ना जानवर इनके इस तरह से अपना कंसेप्ट को नहीं है दुनिया के अंदर, पिग फार्मिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में पाले जा, फार्मिंग है जिस तरह गाय की है वहाँ ना, गाय वो हिंदू लोग पूर्ण कर देते छोड़ देते। अच्छा अच्छा, तो वो उनके अय्यर बन जाते। अच्छा, गौशाला? हाँ अय्यर बन जाते, आजाद सारे छोड़ देते। जिस टाइम दिल करते ना किसी का मुसलमान का, उनका फैर मारे गिर जाती काट का खा लेते हैं, तो फिर हिंदू वगैरह हिंदू कुछ जो मिल करे थे कौन कहते थे कुछ मतलब दबे थे। अच्छा हाँ, यानी मुसलमान भारी थे उनको। अच्छा हाँ, तो किस किस को हिंदुआ की कौन सी कौम कहते अंदाजा है कोई? राजपूत भी 36 कौम थी इंडिया में, बाकी साथ में से कौम ही नहीं थी, कौम तो उड़ा के देखी हमने। अच्छा अच्छा, तो 36 कौम पूरे इंडिया में। आपने तो कौम थी पेशियां बासल में लोहार कुम्हार राजपूत जाट पूरा ही है वो तो नहीं वो तो ये नेरी नेरी कौम फजूल फजूल कर पूरा तो पता है कोनी को हजारों बन जाए। मोटलवारी 36 गोता दो मोटलवारी 36 कौम थी आगे गोती कौम थे आपके रिश्तेदार थे हमारे? अच्छा, थे मामू फूफी थी हमारी उनका? अच्छा अच्छा, मामे थे बैठे हमारे। अच्छा, तो उसमें ठीक ठाक रहा करते जी? ठीक ठाक रिश्तेदार इधर रहते। तो 47 में फिर उन्होंने तर्क लग किया सरवैया था तर्क लग 47 में उन्होंने मर्द कहा तुम ना जाओ जो राजपूत थे। अच्छा, हिंदू राजपूत उन्होंने कहा भी तुम ना जाओ थरगल धोखा होएगा और तुम्हारा माल मनी भी देवेंगे रिश्ते भी देवेंगे मकान भी देवेंगे जमीन भी देवेंगे तुम रह जाओ तुम ना जाओ, इतना प्यार था। तो फिर तारी क्यों 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 वो तो सारा मुल्क जो चल पड़ा फिर पाकिस्तान बना हाँ पाकिस्तान बनाने शौक में आ गया ना लेकर रहेंगे पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह उस टाइम जज्बा था। हाँ जज्बा था लोगों में। अच्छा उस यात्रा से भी जाना है? हाँ, एक तो नफरत होगी जज्बा था लोगों में। अच्छा हाँ, नफरत क्या मतलब है? मतलब ये कुछ नहीं है आजकल का जो माहौल है, माहौल तो जी पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में तो कह रहे हैं एक तो जी प्यार मोहब्बत का काम था। हाँ, उस टाइम नफरत कम थी मोहब्बत ज्यादा थी लोगों में। रात ना पहरे देवे थे हम
बंदे पहरे थे वहीं भी रात ना हमला ना हुआ जो जोड़ थे ना सब पासे गवा के सब जगह ही था उसका उसमें भैंस बढ़ गई ना किसी की ओ आगे 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 मारने वाले आगे फिर भाग गया देखा फिर तो कुछ भी नहीं था। अच्छा यानी डर की फजा बन गई थी। बाद में डर की फजा बन गई थी। फिर हम चले गए करनाल आए हम करनाल आकर हमारे डायरेक्ट करनाल गए या किसी और गाँव में रहते एक दूसरे में जलवाने चले गए जलवाने तक चले गए। अच्छा, पहले तुमने जिस टाइम फिर सलाह बना के जलवाने गए तुम जलवाने गए कहीं और चले गए सारे इस तरह से इकट्ठे होते हुए चलते रहे करनाल पहुंच गए करनाल पहुंच गए करनाल हमें रेल में चढ़ना था रेल में चढ़ने पता ही नहीं किसी ने। अच्छा तो वहाँ तलाशी ली मारी कलेशन को थी नहीं डंडे डंडे छोटे थे ना कुआड़ियाँ थी ये बरछे थे उन्होंने ले कर वहाँ हमारे सामने आग लाई मिट्टी तेल छिड़क कर खाली हाथ कर दिए और लड़ाई झगड़ा ना करा। हाँ फिर हम रेल में चढ़ा दिए मेरी रेल जा रही चली तो एक जगह जंगल में खेमे लगे थे वहाँ रेल रुकी रुकी तो इधर भी खेमे थे उधर भी तो लोग कहने लगे जो थारे बड़े जवान छोरे बाहर निकलो इस तरह के बूढ़े अंदर कर दो औरत अंदर कर दो बच्चे अंदर कर दो इनका मुकाबला करो हम बच गए तुम्हारा सब कुछ है नहीं बचो तुम अल्लाह मालिक है। ये फिजा बन गई इतनी देर में वो जो ड्राइवर था ना वो हिंदू था उसने रेल काट कर ना इंजन काट कर ना दौड़ दौड़ गया हम वहाँ रह गए। तो इतने में दो घोड़सवार अल्लाह तला हमारे इमदाद भेजी उन पर रैफल बंदूक भी थी वो आकर खबरदार को नज़दीक आया तो एक वहाँ खड़ गया दूसरा घोड़ा दौड़ाया इंजन के पीछे चले गया इंजन वापस लिया एक उधर लेकर हम पार्ट पाए रेल में चढ़ गए रेल में चढ़े लोगों ने पता ही नहीं था रेल हो गए किस तरह चढ़ा जो बीच में वो नहीं इस तरह जुड़ा वहाँ चढ़ गए वहाँ खड़े हो गए ऊपर चढ़ गए जहाँ पुल आया रहा था पता नहीं था पुल का वो टकराए हो गए कोई संभाले नहीं किसी ने कौन किसका मर गया कुछ भी नहीं। अच्छा दरिया के पुल पर दरिया का पुल जाए जो उनसे पुल आवे थे मतलब इस तरह हो गए था कुछ भी नहीं। अच्छा मोटलवारे में जो लड़ाई हुई थी आपके कोई रिश्तेदार आए थे उसमें ना कोई नहीं हमारे रिश्तेदार कोई नहीं मरे उसमें सब ठीक ठाक पहुंच गए। कौन सी जगह बैठे हो रहे हैं लोधरा बैठे लोधरा लोधरा शहर में लोधरा देहात में बैठे शान शान नाल बैठे शान नाल हां करोड़ में बैठे मुख्तलिफ जगह बैठे करोड़ पक्का में किस जगह बैठे करोड़ पक्का नहीं इसमें शान नाल के नजदीक बैठे शान नाल के नजदीक अच्छा मीरापुर है शान नाल शहर थोड़ा लोधरा थोड़ी पीछे शान नाल हां शान नाल शान नाल मीरापुर ये इलाके छोटे छोटे फिर हम फिर 50 तक ठिंगी तो मरकज है उनका ठिंगी तो मरकज है फिर हम कलूरकोट आ गए। अच्छा कलूरकोट मकान खाली पड़े थे आग लगी तो लोग मकान नाम वहां जाकर हम जो जिसका दिल चाहे वहां बैठ गए। अच्छा मकान मिल गए लाहौर में कोठियां खाली पड़ी थी। अच्छा बाजार बंद पड़े थे। अच्छा कोई जो होशियार आदमी था वो दुकान कब्जा कर गया कुछ कर गया कुछ कोई रोक टोक थी नहीं जो शहरी लोग थे वे तो बैठ गया जो देहाती थे बेचारे उन्हें पता नहीं उन्हें तो पेशाब का मरना तो पेशाब कहाँ करेंगे हम उन्हें पता नहीं तो पेशाब कहाँ करेंगे वो भाग लिए वहाँ जात में चले गए दिक्कत है सही हौली हौली फिर अपना जमीन अलाट मिट हो गई जमीन फिर क्लेम आ गए। अच्छा अलाट हो गए फिर यहीं रह गए जहाँ जहाँ जिसका रह गया वो चले गए। अच्छा अच्छा फिर रिश्तेदार बाद में आता आता रिश्तेदार पे पता लगता अंदर रहा रबता अंदर रहा। अच्छा आपके टोटल रिश्तेदार आ गए थे इधर यहाँ नहीं नहीं मारे मुख्तलिफ जगह चले गए नहीं पाकिस्तान आ गए पाकिस्तान आ गए सारे उधर कोई नहीं बचा उधर कोई नहीं बचा। अच्छा कोई धर्म तक गया भी कदे कोई वापस ना मैं नहीं गया नहीं और कोई गया कोई नहीं कोई नहीं गया रबता हुआ यहीं गया बस ना रबता तो रहा है अब भी आवेगा सहारनपुर से एक आदमी हर साल आवा सहारनपुर था वो दानवे था। अच्छा अच्छा कौन सा काम का दानवा दानवा गांव है सहारनपुर उसमें क्या नाम कलवा। अच्छा अच्छा अब फिर आवेगा दिसंबर में आवेगा। यहाँ तो हमारा एक चेयरमैन है जनरल का वो वहाँ शादी हुई है उसी का साला हो आओ जाओ कौन है वह कौन जिसकी शादी हो रही है चेयरमैन राणा शिकिल जनरल का। अच्छा जनरल का है उसकी शादी इंडिया में हो रही है इंडिया में हो रही है दाणे में हो रही है। अच्छा अच्छा उसका साला आवा आने जाने अच्छा तारे लोग जिस टाइम आ गए ब्रो ब्रो आके बस गए कदे तारे बुजुर्ग ना आया तुम ना तुम तो शायद छोटे हो गए आपका गाँव याद भी आया जो हमारे भी याद है। अच्छा हमारे दिल का राज भाग जाए हम अच्छा इतना प्यार हम अपने गांव तो पहचान लोगे तारे जब खेत पहचान पहचान वाली बात गलत पहचान नहीं सकता कोई भी तो वो तो बदल गया वो तो सारी बात है वर्षा बदल गई वो तो बदल गई कलूरकोट किसी पहचान में नहीं आता कलूरकोट तो वो तो जी आज कच्ची पहला पक्की ईंट नजर आया कर दी आज कच्ची ईंट कच्ची ईंट होना एक अजूबा है कच्ची जगह कच्ची ईंट नजर आ जाए तो कोई है ही नहीं है ना इसी तरह बात वो तो ना सड़क कच्ची रही ना कोई रोड रहे कच्चे वो तो सारी बात है
लेकिन एक वैसे दो मेरा मतलब है कि इमेज था तर गांव का, जितना तर खेत थे, जोड़ थे, गली वहाँ वो एक नाला सा था उसके आसपास ना ये बैठे हुए थे हिरण फाड़े। अच्छा ये बैठे हुए थे ये जानवर थे रही जानवर वहाँ जानवर मन देखे ओपन फिरा कर दे ओपन अवारा फिरे थे। अच्छा अवारा थे नू को नहीं थे किसी के ना, ना अवारा फिरे थे तो वहाँ थारे बड़े छोर है ना इकट्ठे होगा उन्हें घेरा पा लिया वो नाला था ना नाले में छाल मारे थे ना गेल कोई तिखा छोर होगा तो उन्हें पकड़ लेता। अच्छा पकड़ा खुरिया खाने मारे था जख्म हो जाते लेकिन छोटे नहीं था तो छोरी फेरी खा लिया। तो तार गल के हिंदुआ के छोरे भी थे ही से जो से में खा लिया सारे रोटी लेकर जावा ना स्कूल में तो मुसलमान देखे थे सारे इकट्ठे खोल रोटी खावे थे ना उठा फिर वो देखे ना इस पर हिंदू पर साढ़े को अच्छा कुछ काम उन्हें हाथ दर्द दिया और तेरी तो बीट के मैं नहीं खाता तुम्हारा फिर हम खा लेंगे जान किस तरह करें थे। अच्छा हाथ ला दे बीट हम खा लेंगे हाथ ला दे बस बीट की मैं नहीं खाता ले खा ले तो मारे गोश्त खा लेते मैं। अच्छा कोई तमीज नहीं थी। चलो जी ठीक है। और अच्छा उरा अपना तारी कौन से गाँव वाले के रिश्तेदारी हैं तर शादी कौन से हुई तेरे बच्चे की शादी कौन से मेरे बच्चे की बकर हो रही रोटी वाले का रोटी वाले काच वाले का गज में बकर शहर में है शहर में। अच्छा काच के रोटी के तेरी अपनी शादी कौन से गांव वाले में हो रही है। मैं दूरी फंस गया था जलवाना वाले यानी जलवाना का पुराना ताल्लुक भी बांध लाग रही लगे। चलो ठीक है जी फिर अस्सलाम वालेकुम ठीक है जी अल्लाह ताला।